बुरे से बुरा कर्म, बुरे से बुरा काम जो आपने किया है वो कट जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्षमा प्रार्थना करना शुरू कर दिए, आप माफ़ी मांगना शुरू कर दिए, आप इस मोड में आ चुके हैं कि अब ये मुझसे गलती हो गई है, इसको सुधारना है। कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बुरे कर्मों से मिलने वाली सज़ा छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि सज़ा पूरी भी हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। और इसलिए ज़रूरी है एक क्षमा प्रार्थना ध्यान। इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, होपोनोपोनो। हवाई कंट्रीज़ में इसे डेवलप किया गया था, या हमारे भारत ने बहुत कुछ डेवलप किया है, लेकिन मज़े की बात है कि कुछ दूसरे देश भी हैं जो बहुत कुछ डेवलप किए हैं। तो हवाई कंट्री ने क्षमा प्रार्थना को एक फार्मूला में पिरोया है, और वो है हो ओ पोनो पोनो प्रेयर। ये उनका ही लैंग्वेज है। इसमें हम क्या करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किसी भी ऑर्डर में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर सबसे अच्छा है, क्योंकि जब भी आप ये करते हैं आपके पाप कटने लग जाते हैं, आपके कर्मा छूटने लग जाते हैं। चाहे रुपए पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे आप मन से घिरे हुए हों, अपने मन के अहंकार से घिरे, किसी भी चीज़ से आप हो पुनः पुनः प्रेयर करना शुरू करेंगे, आपके कर्मास कटने शुरू हो जाएंगे। सही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी हम हो पुनः करते हैं, चलो रिश्ते के लिए ही अगर हम हो पुनः पुनः कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि एक पर्ची लिया, पर्ची में लिखा कि इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको समझाने के लिए और कुछ नहीं, पर्ची में लिखा कि इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ लिख दिया, मैं बहुत एहसानमंद हूँ, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर्ची को हाथ में रखा और हो पोनो पोनो करना शुरू कर दिया। हो पोनो पोनो में क्या किया, आई एम सॉरी, किसे कहना है, उस पर्सन को नहीं कहना है। आप मानता हूँ आपने उनके प्रति कुछ गलत कर दिया है, आपने उन्हें गाली दे दी है, आपने उन्हें हाथ उठा दिया है, आपने रिश्ते में बहुत कुछ गलत बोल दिया, उन्हें नहीं कहना है। आपको कहना है यूनिवर्स के सामने, हे परमात्मा, ओ यूनिवर्स, जाने अनजाने मेरे लिए मेरी मुझसे ये गलती हो गई, इस इंसान के लिए मुझे क्षमा दे दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने कर बैठा हूँ, माफ़ कर दीजिए। मतलब आपने पहले लाइन में बताया कि आप दुखी हैं, आपको अफसोस है, दूसरे लाइन में आपने ये बताया कि आपको माफ़ी चाहिए, अब तीसरे लाइन में आप ये कहते हैं थैंक यू सो मच, आप बिलीव करते हैं कि आपको माफ़ी मिल चुकी है, माफ़ी मिल चुकी है, बिलीव करते हैं कि आपको माफ़ी दिया गया है, थैंक यू सो मच, चेहरे पर मुस्कान रख के माफ़ करने के लिए शुक्रिया, सुकून रख के चेहरे पर, थैंक यू सो मच। और चौथा लाइन है आई लव यू, द पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। भगवान कृष्ण पूरे महाभारत में ये सिखाते रह गए, पूरे जीवन काल में सिखाए के गए हैं, प्रेम की शक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। ओ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे जीवन को इतना सुखमय बनाया है, हाथ पैर सलामत दिए, रूप रंग सलामत दिया है, मेरे पास इतनी सारी व्यवस्था है, मुझे वो साथी दिया आपने जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसे ही मुझसे प्यार करना। हाथ में कागज को दबा कि ये चार लाइन को, चारों लाइन को इमोशंस के साथ, उसी इमोशंस के साथ बोलिए। कितने देर बोलना है, 3 मिनट, 4 मिनट, आप चाहें तो बार बार ना बोलें, एक ही लाइन को पूरे इमोशंस से बोलें, फिर दूसरे लाइन को पूरे इमोशंस से बोलें, तीसरे लाइन को पूरे इमोशंस से बोलें, चौथे लाइन को पूरे इमोशंस से बोलें, या फिर इमोशंस नहीं आ रहा है तो माला की तरह जप लें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे इमोशंस डेवलप हो जाएंगे, और ऐसे आप खराब से खराब रिश्ते को भी ठीक कर सकते हैं, खराब से खराब हालातों को सुधार सकते हैं, ना केवल अपने अपितु दूसरों के भी। पर दूसरों के में थोड़ा लेट असर करता है, क्योंकि हम दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी जुदा नहीं है, वो और मैं अलग नहीं है, ये और हम अलग नहीं हैं, हम सब एनर्जी फॉर्म में जुड़े हुए हैं, और हम सब फिजिकल फॉर्म में अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि ये मानना थोड़ा समय लगता है, इसलिए अपने आप पर परहेज शुरू करें। चाहे कोई भी, मोटापा बढ़ गया है,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, धंधे में नुकसान हो गया, रिश्ते खराब हो गए, चाहे कुछ भी हो, होप नो नो प्रेयर, हर चीज़ में आपके काम आएगा। सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले, आखिरी काम हो पोनो पोनो प्रेयर करके सो जाएं। या देखो ऐसा है कि ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज आपने किया और शुरू हो गया, नहीं, कर्म के फल मिलते हैं, लेकिन कर्म के फल के मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, बुरे कर्मों के फल को भोगने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हो पुनः पुनः प्रेयर जब आप करना शुरू करेंगे तो पहले 10-11 दिन तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, फिर 3 हफ्तों में आपको धीरे से आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, अपने सॉरी के साथ, अपने फॉरगिवनेस के साथ, अपने थैंक यू के साथ, अपने आई लव यू के साथ जुड़ाव को महसूस करेंगे, और उसके बाद आपको धीरे 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 चीज़ें बदलती हुई दिखनी शुरू होगी। तो पहले 3 हफ्ते कोई उम्मीद मत करना, पहले 3 हफ्ते तो सिर्फ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो और आप देखेंगे कितना शानदार रिजल्ट आएगा, कितनी जल्दी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जीवन है, गलतियाँ होती है, गलती करना प्रकृति है, गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेना ही संस्कृति है और गलतियों को सुधार लेना ही प्रकृति है, और ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है। चलो रोज़ ऐसी कुछ ना कुछ मैं सिखाता हूँ, सिखाता रहूँगा, तो सीखिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते आय जी।